अपमाद वग कथा और गाथा नंबर 26 और 27। 26 और 27 की जो गाथाएं हैं उनकी कथा एक ही है। इस कहानी का जो नाम है, इस स्टोरी का जो नाम है, वो है बाल नखत घोष। इसको अगर संस्कृत भाषा में बोलेंगे तो बाल नक्षत्र घोष। इसका मतलब है बाल माने जो पाली में होता है, बाल माने होता है जो छोटी बुद्धि का या मूर्ख होता है या कुबुद्धि का होता है या जो इग्नोर होता है, जिसको कुछ पता नहीं होता, जो ऐसी हरकतें करता है, उसको पाली भाषा में बाल बोलते हैं। बेसिकली मूर्ख को बाल बोलते हैं और बाद में इसको बालक बोलने लगे या बालक बुद्धि कहने लगे। नखत का जो मतलब है यहाँ, या नक्षत्र का जो मतलब है, जो कॉन्स्टिलेशन होता है, आपने देखा होगा जो आसमान में जो तारे होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, उसको नक्षत्र बोलते हैं या नखत बोलते हैं पाली के अंदर, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो ये हर महीने में मुद्राओं के साथ में, क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है और हम जहाँ पर होते हैं हमें वहाँ के तारे दिखाई देते हैं, तो साल में हर दिन तारों का जो ग्रुप है वो बदलता रहता है। और जो ध्रुव तारा है, जो पोलर स्टार है, वो नहीं बदलता क्योंकि वो पोल पे होता है, बाकी तारे बदलते रहते हैं। घोष का मतलब है घोषणा या कहना, या एक तरह से जो मुनादी होती है, जो गांव में ढिंढोरा पिटता है, उसको बोलते हैं घोष। तो बाल नखत घोष। ये कहानी, ये कथा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस कथा में हेला और होली, दुलेंडी या बसंतोत्सव, बसंत का उत्सव छिपा हुआ है। होता यूं है कि 7 दिन तक एक उत्सव चलता है, इसको कीड़ा भी बोलते हैं, नखत कीड़ा, बाल नखत कीड़ा या बाल नक्षत्र कीड़ा। ये पाली भाषा के अंदर आपको मिलेगा जहां आप इसको देखेंगे कि ये एक उत्सव का नाम है, बाल नखत कीड़ा या बाल नक्षत्र खेल या क्रीड़ा। 7 दिन तक लगातार जैसे ही नक्षत्र आते हैं, एक खास नक्षत्र आते हैं फागुन के महीने में, और 7 दिन की घोषणा होती है, 7 दिन तक जो वहाँ के कम एज वाले जो युवा हैं, जिनको हम नौजवान बोलते हैं, नवयुवक बोलते हैं या एडोलसेंट बोलते हैं, जो अभी अभी जस्ट बच्चे से बड़े होने की तरफ आगे बढ़े हैं और बड़े अभी हुए नहीं हैं, जिसको हम टीन एज भी बोलते हैं, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, टीन एज भी जिसको बोलते हैं, ऐसे जो युवक और युवतियाँ हैं, उनमें एक प्रमाद की, एक अल्लड़पन की और एक उधम मचाने की, एक हड़दंग मचाने की भावना बढ़नी शुरू हो जाती है प्राकृतिक रूप से। ये उत्सव और ये जो कीड़ा है, ये उन्हीं के लिए खास तौर से बुद्ध के पहले समय से चला रहा है, यानी बुद्ध से भी पहले चला रहा है। 7 दिन तक जैसे ही नक्षत्र में आते हैं, 7 दिन तक अनाउंसमेंट होती है कि ये खेल खेला जाएगा। और इसमें जो हेला शब्द है, हेला शब्द होता है जो इरोटिक एक्टिविटीज होती हैं, जो छेड़छाड़ वाली जो, या जो मदमस्त वाली जो अवस्थाएं होती हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं या क्रियाएं होती हैं, उस तरह से वो एक दूसरे को छेड़ते हैं। धुलैंडी भी बोलते हैं, धुलैंडी का मतलब है धूल वाले जो लड्डू या लैंडी हैं वो एक दूसरे के ऊपर फेंकना होता है, पानी फेंकते हैं और एक दूसरे को छेड़छाड़ करते रहते हैं, प्रमत्त होते हैं, पूरी तरह से प्रमाद में होते हैं। ये 7 दिन तक चला, तो जब नक्षत्र बदले और 7 दिन तक ये अनाउंसमेंट हुआ, तो जो अप्रमादी लोग थे, यानी जो अच्छे लोग थे, जो प्रमाद में नहीं आते, जिनकी उम्र ज़्यादा थी, उन्होंने भिक्कुओं से, भगवान बुद्ध से, सुगत से ये कहा कि आप अब बिहार से बाहर मत निकलना, भिक्खा के लिए आप गांव में मत आना, हम 7 दिन तक आपको भिक्खा वहीं पहुँचाते रहेंगे। क्योंकि ये जो घोषणा है बाल नखत कीड़ा की, जो घोषणा है ये हो चुकी है, और एक दूसरे पे पानी, एक दूसरे पे धूल, एक दूसरे के ऊपर छिटा खसी होगी, हुड़दंग बचेगा और
नशा पता भी होगा, तो ऐसे में आप ना निकलें, कुछ हानि आपको हो सकती है। और जितने अप्रमादी लोग थे, जो अच्छे लोग थे, वो भी अपने आप को 7 दिनों तक घर में बंद कर लेते हैं और भिक्कों को खाना वहीं पहुंचाया जाता है। 7 दिन का जब ये घोषणा खत्म हो जाती है, तो ये जो फेस्टिवल है या उत्सव है या ये कीड़ा है, ये खत्म हो जाती है। उसके बाद सब शांत हो जाता है। तब भगवान बुद्ध अपने भिक्खु संघ के साथ में गांव में आते हैं और वहां आके वो जो चारिका करते हैं, पिंडचारिका, वहां लोग उनको पिंडदान करते हैं। जब पिंडदान देते हैं, तो पिंडदान के बदले में उनको वहां पुण्यमोदन यानी कि शिक्षा भी देनी होती है। वो शिक्षा जो वहां देते हैं, उस शिक्षा के फलस्वरूप वहां पर उन्होंने ये गाथा नंबर 26 और 27 कही है। ये 26 और 27 गाथा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेला का जो फेस्टिवल है, जिसको होली बोलते हैं, जिसमें जो चने आते हैं और चने को भून के खाते हैं, उनको भी हेला बोलते हैं। ये फेस्टिवल उससे पहले से भी चला आ रहा है, इसलिए ये गाथाएं और ये कथाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपमादवक की 26 और 27 नंबर गाथा इस प्रकार है, गाथा नंबर 2.6 या 26। पमाद मनुयुंजति बाला दुम्मे धिनो जना अपमादयच मेधावी धनंग सेठंग वै रखति। पमाद मनु युंजति का मतलब है, पमाद मन, मनु का मतलब है मन, और युंजति का मतलब है जो लगा रहता है या जो उसमें जोड़ता है। ये युज से बना हुआ शब्द है, युजति माने जोड़ता है और युज माने जोड़ना है। तो मन जो पमाद में लगाए रखता है या पमाद में जोड़ता है। बाला दुम्मे धिनो जना, बाला का मतलब है मूर्ख, दुम मेधिनो का मतलब है, एक होता है शब्द मेधा माने होता है बुद्धिमान, और अगर अच्छी बुद्धि का हो तो उसको बोलते हैं सुमेधा, और खराब बुद्धि का हो तो उसको बोलते हैं कुमेधा। यहाँ खराब बुद्धि का पाली में कु की जगह दू लगाते हैं, तो ये हो गया दू मेधा, और दुम मेधा बोलते हैं इसको यहाँ पाली में। और दुम मेधिनो का मतलब है खराब बुद्धि वाला, जना का मतलब है व्यक्ति। इसका मतलब ये हो गया लाइन का, पमाद मनुयुंजति बाला दुम्मे धिनो जना, यानी जो अपने मन को पमाद में लगाता है, ऐसा मूर्ख और ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि खराब है। अपमादयच मेधावी धनंग सेठंग वै रखति। अपमादयच का मतलब है कि अपने अप्रमाद के लिए, मेधावी का मतलब है बहुत मेहनती और बहुत बुद्धि वाला। धनंग सेठंग का मतलब है धन, धनंग का मतलब धन, और सेठंग का मतलब है श्रेष्ठ और अच्छा। वह का मतलब यहाँ होता है जैसे या ही जैसा। रखति का मतलब है रक्षा करता है, यानी ऐसा व्यक्ति अपने अप्रमाद की, अपना जो उसने दौलत कमाई है अप्रमाद वाली, उसकी रक्षा ऐसे करता है जैसे कोई अपने श्रेष्ठ धन की करता है। ये गाथा भगवान बुद्ध ने उस समय कही। इसका जो सरल शब्द है वो इस प्रकार है, यानी जो इसकी देशना है वो इस प्रकार है कि जो प्रमादी व्यक्ति हैं, जो प्रमादी नौजवान और युवक और युवतियां थे, कोई ज्यादा एज का भी हो सकता है, वो सारे के सारे लोग वहां पर प्रमाद में रह के और अपनी हानि कर रहे थे। जो 7 दिन वहां उन्होंने एक दूसरे के ऊपर राग और द्वेष बिखेरा, राग द्वेष उन्होंने खींचा, और जो कुबुद्धि का, और जो ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें पमाद ही पमाद होता है या जो मूर्ख होता है, वो सारे काम ये करते हैं। मगर जो व्यक्ति मेधावी होता है, यानी जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वह अपने अप्रमाद का, यानी कि जो उसने जीवन में मेहनत करके कमाया है अप्रमाद, उसकी रक्षा अपने धन की तरह, सर्वश्रेष्ठ धन की तरह करता है, जो समझदार व्यक्ति होता है। ये इस गाथा का सरलतम नियम है। दूसरा जो गाथा है वो इस प्रकार है, माँ पमाद मनु युंजेत माँ कामरति संथभवं अपमत्तो ही जायंतो पप्पोति विपुलं सुखं। माँ पमाद मनु युंजेत, माँ का मतलब है डोंट, यानी कि मत करो, ये आदेशात्मक है, यानी कि ऐसा मत करो। पमाद मनो युज्जेत,
मन को पमाद से मत जोड़ो या जोड़ना चाहिए, यानी कि मन को पमाद से नहीं जोड़ना चाहिए। माँ कामरति सनत वंग ना ही, यानी मत करो क्या काम और रति, यानी काम और रति का संतद्व का माने है, संतद्व माने संसर्ग करना या सेक्सुअल इंटरकोर्स करना या उसमें रत रहना, या इसको आप कह सकते हैं समागम करना या इंटीमेसी। तो पहली लाइन का मतलब हुआ कि मन को पमाद में नहीं लगाना चाहिए और काम और रत के अंदर भी नहीं रहना चाहिए, रत नहीं रहना चाहिए, संसर्ग नहीं करना चाहिए। अप मत्तो ही जायंतो, अप मत्तो ही जायंतो, ही का मतलब यह वास्तव में निश्चित, और जायंतो माने हैं जो ध्यान को लगाता है, अप मत्तो माने जो अपमत है, जो प्रमत्त नहीं है, जो प्रमाद में नहीं है, यानी कि जो प्रमादी हैं, अप्रमादी लोग हैं, वो वास्तव में ध्यान लगाते हैं। पप्पोति विपुलंग सुखंग, पप्पोति का मतलब है प्राप्त करता है, विपुलंग का मतलब है अपार और सुखंग का मतलब है सुख। इसका मतलब जो अप्रमादी जो व्यक्ति हैं, जो वास्तव में ध्यान लगाते हैं, उनको प्राप्त होता है अपार सुख। ये गाथा नंबर 27 है। इसकी देशना इस प्रकार है, भगवान बुद्ध जब गांव आते हैं तो गांव आके वो बताते हैं कि जो अप्रमादी व्यक्ति होते हैं, अगर वो ध्यान लगाते हैं तो उनको अपार सुख, अपार शांति उनको मिलती है, प्राप्त होती है। इसलिए प्रमाद में मन को मत लगाइए और ना ही काम में और रत में, रति में अपने आप को जोड़िए, ना ही इससे संसर्ग कीजिए, इससे बचिए। ये स्पष्ट जो देशना है, ये प्रमाद अप्रमाद की खासतौर से 27 और 26 नंबर की गाथा के लिए है। धन्यवाद।